ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज की रचना यहाँ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए कि एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल दिया है और इसकी एक भुजा 12 दी है, मतलब ये सॉरी 15 दी है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। चलिए ये ऊंचाई निकालनी है, ध्यान से देखेंगे। चलिए ऊंचाई निकालनी है, इसका नाम कुछ दे देते हैं डी ई, ये ऊंचाई एच निकालनी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त एंगल सी डी ए, सी डी ए ये वाला कोण, ये टोटल दिया है 150 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी कि इनके चारों भुजाओं का योग भी ज्ञात करना है। यानी कि एक भुजा आपके पास तो है ही, दूसरी ये वाली भुजा या ये वाली भुजा निकल जाए तो इसका परिमाप निकल सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता है आधार गुने ऊंचाई, तो ए बी और गुना डी ई लिख सकते हैं ना, बराबर में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 15 और गुना डी ई, तो डी ई को एच बी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको एच ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए यानी कि एच और बराबर में 120 सेंटीमीटर, तो एच बराबर आ जाएगा 120 बटा 15 सेंटीमीटर, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि एच आ गया 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंगल देने का क्या तात्पर्य है, यहाँ देख रहे हैं कि एंगल डी ए बी जो है और एंगल ए डी सी है ना, या फिर सी डी ए एक ही बात है, बराबर में 180 डिग्री होगा, होगा ना। कैसे होगा, तो आपको ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। चलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतःकोण है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए ये निकालना है आपको डी ए बी प्लस इसका वैल्यू कितना है, 150 डिग्री है और बराबर में है 180। अब इसको ले जाए घटा देंगे, यहाँ से एंगल आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो एंगल डी ए ई लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी ए बी कहिए या डी ए ई कहिए एक ही बात होगा। चलिए 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री आ गया, ये वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज डी ए ई में, इस त्रिभुज में देखिए एक्चुअल में ये अलग कुछ फॉर्मूला हटके आपको बताने जा रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी और बटा में एच, यानी कि लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो साइन अगर 30 डिग्री की बात करेंगे, ये क्या है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, अभी इसमें दे दिया एक क्वेश्चन। तो ये देखिए इसके सामने वाला लंब ये होगा DE है ना, तो DE तो आपका आपका ये है H, स्मॉल H है, या फिर D ही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगा, ये वाला देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में कर्ण ये हो जाएगा AD। चलिए तो इसका वैल्यू तो होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कैसे पता, तो ये आप क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। चलिए DE का वैल्यू, तो DE का वैल्यू आप 8 निकाले थे ना ऊपर, और बटा में AD क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो AD बराबर 8 × 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको इसका परिमाप ही ना निकालना है, चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप, इसका परिमाप निकालना है। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी, यानी कि ए बी कितना है 15, बी सी कितना होगा, तो ये 16 आया है तो ये भी 16 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 62 सेंटीमीटर, यहां से इसका परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर